वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान प्रोडक्शन में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, सच्ची घटना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इस कहानी को सुनने से मेरा क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे लाइफ जर्नी की कहानी है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर अपने आप से पूछना कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर काला कर देना और साथ में घंटा भी बता देना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद लगा कि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आके गालियों की बरसात कर सकते हो। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी जिंदगी काफी छोटी है, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ जाओ। अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखोगे तो आप भी फिर से वही गलती कर बैठोगे और ऐसा करना बेवकूफी होगी। इट मीन्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 2013 में मैंने ISC कंप्लीट किया था, 12th क्लास पास आउट किया था। उसके बाद मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता था क्योंकि मुझे बात करना बोलना काफ़ी पसंद था, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेंथ को जानता था। लेकिन बात मुझ तक ही सीमित थी कि मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मेरे घर में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मेरा बेटा मास कम्युनिकेशन करना चाहता है और इसको छुपाने का अंजाम इतना बड़ा हो सकता था, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन मेरे पापा ने मुझे अपने रूम में बुलाया और बोला, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम MBBS की तैयारी करो, क्योंकि मैंने समाज में बोल दिया है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। उस वक्त ऐसा लगा मानो पैर तले जमीन खिसक गई हो और मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा को बात बता सकूं कि मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बातों ही बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मैंने अपने सारे सपनों को ठुकरा कर हाँ बोल दिया और नतीजा क्या हुआ, फेल हो गया। मैं बुरी तरह फेल हो गया एग्जाम में। मुझे लगा शायद अब पीछा छूट जाए, लेकिन पापा ने कहा कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार ही सही, और मेरा नाम दिल्ली के साहिल स्टडी सर्कल इंस्टीट्यूट में लिखवा दिया। मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि मैंने हाँ कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुकी थी। मुझे मालूम था मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं था, मेरा मन तो बस बात करने में, स्पीच देने में, इन सब चीज़ों में लगता था। पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी, मैं एक एंकर बनना चाहता था। फिर भी मुझसे पूछे बिना मुझे 2 सालों तक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में एग्जाम में बैठाया गया। आज मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ना ही तो पापा को, ना ही तो अपने परिवार वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी गलती मेरी थी। पापा को हाँ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने। उस वक्त थोड़ी हिम्मत जुटा पाता, बस थोड़ी सी हिम्मत, और बोल देता कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा पिटाई होती, 2-4 चमेट लगते, बस बात खत्म, फिर सब ठीक हो जाता। मैं चाहता हूं ये गलती जो मैंने की है आप ना करें, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। जिंदगी में वही करो जिसमें आपका मन लगता हो, आपकी स्ट्रेंथ हो वही काम करो, अपने स्ट्रेंथ को मिसयूज मत होने दो। अगर इसके लिए घर वाले, परिवार वाले, समाज के खिलाफ जाना पड़े तो जाओ, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को व्यस्त मत जाने दो, क्योंकि नाव बनी है समुद्र पार करने के लिए, समुद्र पर तैरने के लिए, लहरों को चीरते हुए जाने के लिए बनी होती है, यूं ही किनारे पर रखने के लिए नहीं बनी होती, क्योंकि उसकी जगह वो नहीं है। क्योंकि एरोप्लेन की इज्जत तब नहीं होती जब तक हम जमीन पर परी होती, एरोप्लेन की शान इसमें है जब वो आकाश का सीना चीरता हुआ आसमान में उड़े। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कब तक आप अपने स्ट्रेंथ को छुपाओगे, कब तक कायरों की तरह चुपचाप बैठोगे, उठो उठो और आगे बढ़ो। अपने स्ट्रेंथ को पूरी दुनिया को दिखाओ, अपने स्ट्रेंथ को सेल करो, नहीं तो ये दुनिया एक दिन तुम्हें कायर के नाम से बुलाएगी। अगर आज आप अपने जिंदगी में इतना बड़ा लेवल का कुछ करना चाहते हो जिसे लोग सोचने से भी डरते हैं, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस हद तक भी किया जा सकता है, मैंने बोला ना कुछ बड़ा लेवल का करना है, तो मैं लाखों रुपए कमाने की बात नहीं कर रहा, या फिर एग्जाम में टॉप होने की बात नहीं कर रहा, और ना ही तो यहां वहां की बात ही कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बड़ा लेवल, जब कोई सिर्फ मेरे बारे में सोचे,
ये नहीं कह रहा है कि मुझसे मिले, केवल सिर्फ मेरे बारे में सोचे तो बस उसके मुंह से निकले यार क्या बंदा था। इस हद तक भी कोई स्ट्रगल कर सकता है। और मेरे अंदर जो कामयाबी पाने का नशा है ना, वही नशा आने वाले दिनों में मुझे कामयाब बनाएगा। इसलिए एडिक्शन मतलब नशा, नशा को अपना साथी बनाना होगा। जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा माइंड डोपमीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी और आनंद का एहसास होता है, जिससे हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। वैसे ही आप अपने जिंदगी में वैसा ही काम करो जो आपको पसंद है। अगर आपको बात करने में मजा आता है तो एंकर बन जाओ, आरजे बन जाओ। एक्टिंग अच्छी लगती है तो एक्टर बन जाओ या एक्टिंग टीचर बन जाओ। अच्छे कपड़े पहनना पसंद है तो मॉडल बन जाओ, फैशन डिजाइनर बन जाओ। पढ़ना अच्छा लगता है तो टीचर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ। मतलब ये कि आप अपने स्ट्रेंथ पर काम करो, इसमें मजा आता है वो काम करो। तुम्हारा दिमाग डोपमीन नाम का केमिकल रिलीज करेगा, जिससे खुशी और रिलैक्स फील होगा। आप कभी थकोगे नहीं, फिर सक्सेस झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। टाइम की कमी होने की वजह से मैं अपने स्टोरी को पूरी नहीं कर पाया। जल्दी अपनी स्टोरी का पार्ट टू बनाऊंगा। आगे की मेरी स्टोरी जानने के लिए मेरी कहानी पार्ट टू जरूर देखें। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।